जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। तो मैं उनको देख के मुझे बात करने में भी मेरा अच्छा लगता। जय गुरु दादा। ठीक है दादा, करिए। वंदे लोकतिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कीर्त सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम परमे परमात्रम यागे जीवनम जीवनेश्वर पुरुषम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे नमस्तस्ये 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 नमो नमो वर्ग मार पर असंगम प्रेम भक्ति विनाकम शांति सदास्ति आचार प्रणाम नौमि परम दयाल परम प्रेम से श्री ठाकुर जी लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद से श्री वरदा वर्तमान आचार्य देव से श्री दादा पूजनीय बाबा एवं समस्त ठाकुर परिवार के वंशधर में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आसनवाणी सत्संग केंद्र के सदे ऋतिक देवता ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मीगण सत्यनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा रानंदित जय गुरु। मुझे आज सदे प्रहलाद दा के सानिध्य से मुझे फिर मौका मिला है और ये आसनवाणी उपयोजना केंद्र मेरा एक परिवार का सदस्य हो गया है। मुझे कई एक बार आप लोग के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं आज भी सदी प्रहलाद दा के मैं अपने आप को धन महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे आबद्ध जितने भी ये परम पिता के सानिध्य में हैं, मैं सबों का व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन साथ में सबों का जीवन से रोग सो ग्रह दोष का निवारण हो मैं दयाल के चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूं। आज शुभ दिन जन्माष्टमी का दिन हमारे पुरुषोत्तम का आगमनी दिन भादव महीना का दिन वो भादव महीना का दिन जो कि आज का ही दिन हमारे इष्ट पुरुषोत्तम की अवतारी भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से आज उनका पृथ्वी पे आगमन हुआ था। भादो महीना और बारह महीना के सानिध्य में भगवान कृष्ण का अवतरित हुआ इस धराधाम पे और उसी रूप में कली काल में इस कलयुग में यही भादो महीना और यही बारह महीना हमारे परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम युग अवतार श्री श्री ठाकुर जी का मनमोहनी मां के गर्भ से उनका आगमन हुआ। सद्य दादा मां हमारा जब प्रकृति हमारा जो ये चीज जब चिक्कार करके हमारे परम पिता को बुला रहा था हमारे कल की अवतार श्री दयाल को श्री श्री ठाकुर जी को जब इस सानिध्य में बुला रहे थे उस टाइम हमारे परम पिता वही परम पिता ओम परम ब्रह्म कुलमाली राधा स्वामी जो कि सारे सूरज चंद्रमा नक्षत्र को केंद्रित करते हुए हमारे माता मनमोहनी के घर गर्भ में उनका आगमन हुआ और परम पिता का आने का तुक यही था सद्य दादा मां क्योंकि परम पिता ये चीज को जान रहे थे कि इस कली काल में बहुत ही प्रतिकूल स्थिति होने वाली है क्योंकि आज का जो परिस्थिति और परिवेश हम लोग के बीच में हो रहा है हम लोग जो दो साल से इस पेंडेमिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं हम लोग जो लॉकडाउन इस और कोरोना काल का जो इस भयंकर महामारी से जो जूझ रहे हैं वो परमपिता 100 साल पहले ही ननी गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा ये चीज को बोल के गए थे कि जहां जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां वहां नरमुंड और खून ही खून मुझे दिख रहा है क्योंकि वो परम पिता पहले ही जान लिए थे कि वो प्रतिकूल स्थिति है
तो हमें उस प्रतिकूल स्थिति में सद्धे दादा माओ अनुकूल बन के माता मनमोहनी के गर्भ में इनका पदार्पण हुआ, उनका आगमन हुआ और हमें जो बचने बढ़ने का जो पथ जो हमें दिए परमपिता, ये परमपिता का सानिध्य लाभ ही है दादा माँ। उनसे युक्त अगर होके हम रहते हैं तो जैसे एक साधारण लोहा पारस से टकराता है ना, और वो पारस मणि से टकराने के बाद वो भी एक सोना का रूप ले लेता है, उसी ढंग से परमपिता के सानिध्य में अगर हम पूरे मन कर्म वचन से अपने आप को परमपिता के सानिध्य में अगर हम बांध के रखते हैं तो हमारा भी जीवन वो सोना रूपी हो जाएगा दादा मां। परमपिता ने जो हमारे आचार परंपरा दे के गए हैं, कहते हैं ना इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीत गुरु वंशधर, और रेत शरीर में रहकर जीवंत निरंतर। हमारे पूजनीय बवैदा एक बात बोल रहे थे, कितना सरल सौम्य भाषा में वो कह रहे थे कि हम लोग का जो जीवन है ना वह एक बहता हुआ नाव के समान है, अगर हम इष्ट के प्रति बांध के नहीं रखते हैं तो हमारा जीवन रूपी नाव कहां बह के चला जाएगा, नहीं कह सकते हैं दादा मां। परमपिता से बांध के तो रखना ही है, इसके बगैर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। आज मैं शुरू से आप लोग के साथ में जुड़ा था और आज सत्यानुसरण की जो आज वाणी पाठ हुआ बहुत ही मार्मिक था। अगर दादा मां ध्यान दिए होंगे उसे तो परमपिता का जो हस्तलिखित ग्रंथ जो सत्यानुसरण है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आप लोग के बारे में, क्योंकि परमपिता ने एक रात में पूरे जीवंत की लीला, चाहे वो रामायण कहिए, महाभारत कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, बाइबिल कहिए, पूरा सारा चीज का सार उसमें लिख दिए है मात्र 21 साल की उम्र में। आपके जीवंत में किसी भी ढंग की परिस्थिति परिवेश अगर प्रतिकूल होती है तो आप तत्काल अपना पॉकेट से सत्यानुसरण निकालें और दायां पेज, सत्यानुसरण निकालने के बाद जो दायां पेज आपका जो खुलता है आप उस पेज को बारीकी से पढ़ें दादा मां। उस दिन जो आपके जीवंत में अगर कुछ घटित हुआ है, अगर आपका जीवन अगर पूरा ज्वालामय है, समस्या में है, तो तत्काल उस सत्यानुसरण का पेज उस पल उस समय उस क्षण निकाल के पढ़ें। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो समस्या उस दिन आपके जीवन में हुआ होगा उस समस्या का समाधान क्विक तुरंत मिल जाएगा। अब इस चीज को आजमा के देखें, मैं इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखा हूं, आप लोग भी इस चीज को कभी आजमा के देखें। कभी आप कोई समस्या से जूझ जाएं, घिर जाएं, तो सत्यानुसरण का निकालें और कोई भी पेज, कोई ये नहीं खोलना कि ये 20 नंबर 21 नंबर, कोई भी पेज जो अनायास आपका निकल जाए उसको आप देखें पढ़ें। अगर क्विक तुरंत अगर आपका जीवन का अगर समस्या का समाधान नहीं मिला तो आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा, क्योंकि परमपिता के एक एक मिश्रित बाने जीवन का सार वो लिख दिए हैं। तो वही मैं कह रहा था कि आज का जो वाणी पाठ हुआ उसमें मां पढ़ रही थी, जो अनुभूति की खूब गप्पे मारता है लेकिन उसके लक्षण कुछ प्रकाश नहीं होता। परमपिता ने दो एग्जाम्पल बहुत बारीकी से दिया है दादा मां, गौर करिएगा। एक बोले हैं बीना का और एक बोले हैं अनार का। परमपिता कहे हैं कि बीना तो बहुत अच्छा बचती है, बहुत अच्छा बीना का एक
वेव आता है, तरंग आता है, मंत्र मुग्ध कर देता है, लेकिन जो बिना वादक होता है, बिना जो बजाने वाला होता है, वो कुछ भी अनुभूति नहीं करता है। वो स्थिर रूप में पड़ा हुआ रहता है, वो कुछ अनुभूति नहीं करता है। वही परमपिता कहे हैं, जो अनुभूति का खूब गप्पे मारता है, लेकिन उसके अगर कुछ लक्षण प्रकाश नहीं होता है, तो फिर सारा चीज बिल्कुल तमछा गत रह जाती है। परमपिता ने एक एक चीज को दादा मां बहुत ही बारीकी से एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही बारीकी से उदाहरण दिया है। मेरी सारी बातें सिर्फ चिंतन या खुराक मात्र का अगर करते हो, इसको जीवंत या आचरण में नहीं उतार पाते हो, तो मेरी सारी बातें तमछागत रह जाती है। वो झाड़ी के समान, आप तमछागत का अगर प्रियावाची गूगल में अगर आप सर्च करेंगे या हिंदी के डिक्शनरी में अगर आप सर्च करेंगे, तो तमछागत का मतलब होता है कि झाड़ी का कांटा, कि जो झाड़ी का कांटा होता है वो झाड़ी के कांटा के समान हमारा सारा चीज हो जाता है। परमपिता ने कहा है अनार का, क्या तुम्हारे में ठाकुरत्व के भाव आते के साथ, जिस ढंग से अनार पकते के साथ फट जाता है ना, अनार को आप देखे होंगे जब पक जाता है ना, वो फट जाता है, वो फट के पूरा उसका जो बीज होता है लाल लाल पूरा दिखने लगता है। उसी ढंग से परमपिता ने कहा है कि जिस ढंग से अनार पकते के साथ फट जाता है, उसी ढंग से तुम्हारे में ठाकुरत्व की बात, ठाकुर की भाव आते के साथ, लोग तुमको देखेंगे, लोग तुमको जानेंगे, तुमको अपने मुंह से व्यक्त नहीं करना पड़ेगा दादा मां, सिर्फ जीवंत रूपी परम पिता को अपने जीवंत में उतारना है। अगर नहीं उतार पाए तो परम पिता ने कह दिया है कि मेरी सारी बातें झाड़ी के कांटा के समान हो जाएगा, सारी बातें तमछागत रह जाएगी। भादो महीना का दिन, पुरुषोत्तम का आगमनी का दिन, उस टाइम परम पिता बाल अवस्था में थे, उस टाइम परमपिता के सानिध्य में तकरीबन हमारे परमपिता 12 से 15 साल की अवस्था में रहे होंगे। उस टाइम अपना हिमायतपुर में एक हाथ देखने वाला एक तांत्रिक आता है, जो कि हाथ और मस्तिष्क को देख के किसी का भी जीवन का भविष्य वो तय करता है। उसी रूप में वहां पे भी आता है और परमपिता के सानिध्य में सारे उस गांव के बच्चे लोग का हाथ देखते हैं और सभी का भविष्य भी बताते हैं। उस टाइम मां मनमोहनी मां का भी मन हुआ कि ठाकुर अनुकूल, उस टाइम ठाकुर तो नहीं, अनुकूल तुम भी जो बाबा आए हैं हमारे गांव में, तुम भी जाके हाथ दिखाओ, हो सकता है तुम्हारा भी कुछ भविष्य बताएंगे वो, तुम्हारा आने वाला भविष्य, क्योंकि सबका भविष्य बताते हैं। और उस बाबा का इतना नाम था दादा माँ कि जो उनकी बातें होती थी सब बात सच हो जाती थी, और एक एक चीज को हाथ की रेखा को देख के बता देते। तो माँ का बात सुन के, क्योंकि हमारे परम पिता धरती पुरुष माँ के परम भक्त थे, जब माँ का जब आदेश हुआ और उस जब बाबा के पास पहुंचे हाथ देखने दिखलाने के लिए, तो बोलते हैं बाबा मेरा भी आप हाथ देखिए। उनके सामने में अपना दायां हाथ इस ढंग से बढ़ा दिए, बोला हाँ हाँ मेरा तो 40 साल की अनुभव है, मैं तो विद इन एक मिनट भी नहीं लगेगा मैं आपका जीवन बता दूंगा। बोला ठीक है बाबा मेरा भी आप हाथ देखिए। उस टाइम जब हमारे प्रभु का, हमारे कल्कि अवतार का जब हाथ देखा जा रहा था दादा मां, तो उनकी जो हाथ की जो रेखाएं थी वो इधर उधर नाच रही थी। इस ढंग से
भ्रमित हो रहा था, इसे वो हाथ की रेखा फ्लक्चुलेट हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, इधर उधर अपने आप हो रहा था। वो जो हाथ देखने वाला जो तांत्रिक था, उसको लगा कि हम रात भर इतना देखे हैं हाथ, इसलिए मेरा मन मस्तिष्क थोड़ा खराब हो गया है। फिर वो अपना चश्मा लगाया, फिर वो देखने लगा, लेकिन फिर वही अवस्था, फिर वो इसकी हाथ की जो रेखाएं हैं, परमपिता की रेखाएं नाच रही है। फिर आधा घंटा के बाद अपना आंख पे वो पानी मारता है, आंख धोता है, फिर से वही चीज। उसको अपने आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा 40 साल की अनुभव आज ये फेल कैसे हो रहा है, ये क्या मैं देख पा रहा हूं, ये क्या है। जब उनका एक बार नहीं, कई बार दिन भर फिर बोला नहीं मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, 3 दिन तक ये प्रक्रिया जब चलता रहा, उसके जब मन और मस्तिष्क पे जब विश्वास नहीं होने लगा दादा मां, तो वो हाथ देखने वाला बाबा वो परम पिता के चरणों में घिर के बोलते हैं कि प्रभु आप कौन है, मेरा इतना दिन की जो अनुभव है, 40 साल का अनुभव है, इतना दिन का करियर में मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो कि हाथ की रेखाएं भी कभी नाचती है क्या। ये तो परम पिता का आगमन था दादा मां। जब परम पिता छोटे थे, बचपन काल में थे, वही टाइम हमारे परम पिता के, हमारे अनंत भगवान शंकर का रूप लेके, एक साधु का रूप धारण करके माता मनमोहनी के पास गए। और जैसे आम भाषा में किसी घर में अगर कोई साधु फकीर कोई योगी जाता है ना, तो अपना बच्चा को छुपा के रखता है कि मेरा बच्चा को कहीं नजर नहीं लग जाए, उसी ढंग से माँ का भी था, अपने ठाकुर अनुकूल चंद जी हमारे प्रभु को छुपा के रख रहे थे। उस टाइम उस साधु ने कहा कि माँ आज तो आप अपने प्रभु को, बच्चे को छुपा रहे हैं, लेकिन कल एक ऐसा प्रतीत होगा कि पूरा दुनिया देखेगी, पूरे दुनिया उनको वर्ल्ड में उनका अनुसरण होगा माँ। उसके बाद वो भी देखिए, भक्त और भगवान का जो एक रिश्ता होता है, माँ भी चलता है कि मुझे आज इष्ट की बात बोलना है, मुझे आज प्रभु की बात बोलनी है। तो आप सोचिए दादा माँ, अगर जहां पे प्रभु की ओरा, प्रभु का तरंग, प्रभु का समावेश अगर आपके सानिध्य में है, तो क्या लगता है कि काल आपका कोई भी टच कर पाएगा क्या। मैं इसलिए मैं प्रभु से जब मैं उठता हूं, ठाकुर में बोलता हूं कि ठाकुर मेरे ये मुझे अपने सानिध्य में रखो, नहीं तो दादा माँ मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि वृत्ति प्रवृत्ति उस कैंसर रूपी डिजीज से भी ज्यादा भयंकर है। जिस ढंग से कैंसर को पेशेंट को जो केमोथेरेपी दी जाती है ना, और केमोथेरेपी के बाद उस कैंसर पेशेंट एकदम स्थिर होकर बैठ जाता है, और जब उसका डोज खत्म होता है तो फिर वो रिक्रिएट हो जाता है, फिर से एक्टिव हो जाता है, उसी ढंग से परमपिता का सानिध्य लाभ है दादा माँ। अगर उनसे अपने आप को बांध के रखते हैं, तो कैंसर क्या, कोई भी डिजीज, कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति आपको अपने आवेश में नहीं ले पाएंगे, यह निश्चय जानिए। ये परमपिता का वाणी है, यह निश्चय जानिए। अपने आप को उनमें बांध दीजिए। पागलपन की तरह अगर लोग आपको पागल बोलता है, तो हाँ आप पागल हैं, आप प्रभु के प्यार में पागल हैं तो पागल हैं। आपका प्यार वैसा करना होगा जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका हमेशा उनके बारे में सोचते रहता है कि वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, वो कैसे होंगे। वो कहते हैं एक जिस्म दो जान, वैसा आपको सोचना होगा प्रभु के बारे में। उसके बाद प्रभु तो आपके हो जाएंगे, भक्त बस भगवान होता है दादा माँ। इसलिए ये चीज अपने जीवन को उतारने, बातें तो बहुत सारी होती है, बहुत सारे सत्संग में हम लोग बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कितना उतार पाते हैं अपने जीवन। और कभी कभी दादा माँ मेरा अभिशाप भी वरदान हो जाता है। अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता, इतने गुरु भाई, इतना याजन नहीं होता, इतना ऑनलाइन सत्संग नहीं होता, और इतना जान पहचान नहीं होती। इसलिए ये प्रभु की इच्छा थी
एक नया तरीके से नए गुरु भाई को याजन करना है, लोगों से मिलना है, जुलना है और एक सानिध्य लाभ करिए। मन और मस्तिष्क को एक करिए दादा माँ, वहां प्रभु आपकी आपके साथ विराजमान करेंगे, आपके साथ लगेगा कि कोई फरिश्ता हमारे साथ में है। सिर्फ मन कर्म वचन से, ये नहीं कि मैं अभी कुछ बोला उसके बाद मैं थोड़ा सा के लिए मैं फिर मैं डाइवर्ट हो गया, वहां प्रभु नहीं होंगे दादा माँ। इसलिए मेरा बोलने का समय हुआ, मेरा कोई भी बात अगर अच्छा लगा होगा आप लोग के सानिध्य में तो अपना जीवंत में जरूर उतारेंगे माँ। अगर मेरी बातों से किसी को अगर आघात लगी होगी, ठेस पहुंची होगी, तो मैं सबों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस आसन वाणी उपयोजना केंद्र में जितने भी आबद्ध सत्संगी वृंद दादा माँ जो आए जो नहीं भी आए, मैं सबों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सब जीवन अपना रोग सो ग्रह दोष से निवारण हो, सबों का मैं दयाल के चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। और सबों को मैं हृदय से जय गुरु जनाते हुए मैं सबों को रानंदित जय गुरु मैं कहता हूँ दादा, जय गुरु दादा, जय।